जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे ताइतस अध्याय 2 और संख्या 11 और 12। क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विश्ववासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बलिदान द्वारा हम मुक्त हो चुके हैं। तो अगर हम मुक्त हो चुके हैं, हमारा जीवन को हमें धार्मिकता में जीना है, अपने पाप भरे जीवन को पूर्ण रूप से अपने शरीर से हटाना है। मेरे भाई और बहनों, क्या आप उप नहीं चुके हो? पाप भरा जीवन जीकर, वही बीमारी को लेकर, वही दुख को लेकर, वही तकलीफ को लेकर। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि धार्मिकता का जीवन जियो। आज मेरे भाई और बहनों, अगर हम अपने पापों से जूझ रहे, अपने दुख से जूझ रहे, तकलीफों से जूझ रहे, आज हर एक चीज को यीशु के सामने रखेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि उसके बलिदान द्वारा हम मुक्त हो चुके हैं और वो स्वयं चाहता है कि हम धार्मिकता का जीवन जिए। तो अगर परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि हम धार्मिकता का जीवन जिए, तो आज शरीर को उसके हाथों में पूर्ण रूप से समर्पण करेंगे, क्योंकि शब्द वचन कहता है कि भले तेरे हाथ पाप से लाल रंगे क्यों न हो, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाऊंगा, पूर्ण रूप से सफेद बनाऊंगा। जिस प्रकार वेस्ट और ईस्ट है, उस प्रकार तुम्हारे पापों को मैं अलग करूंगा। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम पूर्ण रूप से अपने आप को उसके हाथों पर समर्पण करके पूर्ण रूप से उसका चंगाई पाए और एक धार्मिकता का जीवन जिए। इस समय अपने आंखों को बंद रखेंगे, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है परमेश्वर, जिस प्रकार पूरब और पश्चिम में उतना दूर परमेश्वर तू अपने पापों को अलग करता है, और तेरा वचन आज कहता है परमेश्वर के तेरे बेटे के बलिदान द्वारा हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र में जीवन जीते हैं परमेश्वर। तो आज परमेश्वर स्वतंत्रता वाला जो तेरा करुणा है, दया है, सामर्थ्य हमारे जीवन के ऊपर उतार परमेश्वर। हम चाहते हैं एक धार्मिकता का जीवन जीने के लिए। तो परमेश्वर, हम अब इसी सुबह ये प्रार्थना करते कि तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में उतार, हमारे पापों को परमेश्वर पूर्ण रूप से नया बना, पूर्ण रूप से साफ करके परमेश्वर हम एक नया सृष्टि बना। के परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जो तुझ पे जुड़ता है एक नया सृष्टि बनता है। तो आज परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि आप हमें एक नया सृष्टि बना, कि हम जो भी चीज करें परमेश्वर तेरे राज्य में करें, एक धार्मिकता का जीवन जी के करें। और यही प्रार्थना इस सुबह माता मरियम के मदद से सारे स्वर्गदूत के नाम से एक परिवार के समान मिलकर मांगते हैं। आमीन। जय श्री।